बीजेपी सरकार ने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार का वादा किया था। वादा तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन रोजगार जरूर बता रहे हैं। पकौड़े का ठेला, पान की दुकान, गौ पालन के बाद अब गुजरात सरकार ने नई रोजगार स्कीम निकाली है। गुजरात सरकार के इस फैसले को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। विश्व के बड़े देशों में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्रिएटिव बनाया जा रहा है, लेकिन गुजरात की रूपाणी सरकार बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टायर का पंचर लगाना सिखाएगी। बेरोजगारी दूर करने का बेहतरीन तरीका निकाला है। बेरोजगारी का इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। रूपाणी सरकार इसके लिए बाकायदा बाल मेला आयोजित करने जा रही है, जिसका आधिकारिक पत्र भी जारी किया गया है। सवाल उठता है कि क्या विजय रूपाणी के घर से भी बच्चे आत्मनिर्भर बनने के लिए पंचर लगाना सीखेंगे? क्या गुजरात बीजेपी के सभी नेताओं के बच्चे भी आत्मनिर्भर बनने के लिए पंचर लगाना सीखेंगे? अगर नहीं तो क्यों? क्या बीजेपी नेता अपने बच्चों को आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहते? आखिर क्यों बीजेपी नेता अपने बच्चों को इस शानदार योजना से महरूम रखना चाहते हैं? इसके साथ ही कक्षा 5वीं तक के प्राथमिक स्कूलों में बाल मेला और जूनियर हाई स्कूल यानी 6ठी से 8वीं कक्षा वाले स्कूलों में जीवन कौशल मेले का आयोजन होगा। जीवन कौशल मेले के तहत कई चीजें जूनियर हाई स्कूल के छात्रों को सिखाई जाएंगी। इसमें टायर का पंचर बनाना, फ्यूज बांधना, कील लगाना, कुकर बंद करने जैसी कई कामों की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार के इस उलूल जुलूल फरमान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस योजना पर तंज कसते हुए कहा कि यह है देश में बेरोजगारी दूर करने का नया पीपीपी मॉडल। युवाओं को रोजगार देने का पीपीपी मॉडल पकौड़ा पान के बाद पेश है पंचर की दुकान लगाने की सलाह। जी हां, सरकार बेरोजगारी इससे दूर कर सकती है। अब सवाल यह है कि सरकार को ऐसे ऐसे आइडिया देता कौन है? बेरोजगारी दूर करने का ये कौन सा तरीका है? ब्यूरो रिपोर्ट, एपी।